राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होने वाला है। पूरे शहर में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसी कड़ी में योगी सरकार ने राम भक्तों को स्पेशल तोहफा दिया है। राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म उबर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उबर ऑटो कैटेगरी के तहत अयोध्या में अपनी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा सेवा का उद्घाटन किया है। हाल ही में सीएम योगी ने अयोध्या में 50 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। 25 ई ऑटो लॉन्च किए गए हैं, जिसमें 12 पिंक ऑटो शामिल हैं। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की तर्ज पर इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत की गई है। सरकार का लक्ष्य परिवहन सेवा को सुलभ बनाना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 14 जनवरी को 200 ई बस, 4 छोटी बस और 25 ई ऑटो का प्रदेश से शुभारंभ किया, जिसके क्रम में 50 ई बस और एक मिनी बस और 25 ई ऑटो का शुभारंभ 14 जनवरी को किया गया था। ये बहुत ही सुरक्षित यातायात है और ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण से पूरी तरह मुक्त है। इसमें दो तरह के ऑटो हैं, एक पिंक है और दूसरा व्हाइट है। जो पिंक ऑटो है उनका संचालन हमारी माताएं बहनें बेटियां करेंगी और जो व्हाइट ऑटो है उसका संचालन पुरुष करेंगे और 15 फरवरी तक इसकी संख्या बढ़कर 50 हो जाएगी। पूरे प्रदेश के कुल 7 शहरों में 500 ई ऑटो आ रहे हैं, जिसमें से 50 जो ई ऑटो हैं वो अयोध्या में चलेंगे। ये अभी चलो ऐप से जुड़ गए हैं सारी ई बसें और इसका जो ऑटो का है वो ईटीओ एक अलग ऐप है। इन सभी को जो अयोध्या टूरिज्म ऐप है उससे भी हमने इंटीग्रेट कर दिया है, ताकि किसी को भी बस या ऑटो की ट्रैकिंग करनी हो तो आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। कल परसों जब बसें चली हैं तो उसका रेस्पॉन्स इतना अच्छा है, लोग सेल्फी ले रहे हैं, बसों पे चढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है उनको। वो सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह की बस व्यवस्था अयोध्या में होगी, लेकिन आज अयोध्या जी में, अयोध्या धाम में ऐसी व्यवस्था है जो सार्वजनिक परिवहन है और हमारी जो पब्लिक है उसके लिए एक रामबाण का काम करेगी। अयोध्या में राम मंदिर में 22 जनवरी को भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। रामलीला के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में देश के कोने कोने से राम भक्त अयोध्या पहुंचेंगे।